हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबीज मामा डॉट कॉम चैनल पर। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे बहुत ही ज्यादा फेमस बेबी बॉय के सिम्टम्स शेयर करने वाली हूँ, जो सिर्फ मेरी प्रेगनेंसी में ही नहीं बल्कि जिस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी उस समय कई लेडीजें प्रेग्नेंट थी, तो उन पर भी काफी हद तक वो सिम्टम्स मैच किए थे और उनको बेबी बॉय हुए थे। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स होता है पेट को लेकर के। ऐसा माना जाता है कि बेबी बॉय के टाइम पे जो पेट होता है वो आगे की तरफ बिल्कुल गोल रहता है, तो ये वाला सिम्टम्स हम सभी पे बिल्कुल सही मैच किया था। तो बेबी बॉय के टाइम पे बिल्कुल पेट आगे की तरफ था एंड गोल था। दूसरा सिम्टम्स होता है कि बेबी बॉय के टाइम पे मीठा बहुत पसंद आता है, तो ये वाला भी सिम्टम्स हम सभी पर काफी हद तक मैच किया था। शुरुआत में तीखा एंड चटपटा अच्छा लगता था और लास्ट के जो मंथ थे उनमें मीठा बहुत ज्यादा पसंद आता था। और तीसरा सिम्टम्स होता है, ऐसा माना जाता है कि बेबी बॉय के टाइम पे महक बहुत ज्यादा लगती है, तो ये वाला भी सिम्टम्स मैंने काफी हद तक सभी में देखा था और हम सभी को जो है बेबी बॉय के टाइम पे बहुत ज्यादा महक वगैरह लगती थी। चौथा सिम्टम्स होता है वोमिटिंग वगैरह को लेके। ये वाला सिम्टम्स भी मैंने काफी हद तक अपने साथ साथ सभी में देखा था कि सबको बेबी बॉय के टाइम पे उल्टी वगैरह जरूर हुई थी। और पांचवें सिम्टम्स की बात करें, ऐसा माना जाता है कि बेबी बॉय के टाइम पे ब्रेस्ट की जो निपल्स होती हैं उनका कलर बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, तो ये वाला सिम्टम्स भी बिल्कुल सही था। काफी हद तक जो निपल्स का कलर था वो बहुत ज्यादा डार्क हो गया था। एंड छठवां जो सिम्टम्स था वो होता है कि बेबी बॉय के टाइम पे स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है, ये वाला सिम्टम्स भी बिल्कुल मैच किया था। मेरी भी बेबी बॉय के टाइम पे स्किन जो थी वो काफी हद तक डल हो गई थी। और जो सातवां सिम्टम्स होता है कि बेबी बॉय के टाइम पे नींद नहीं आती है, ये वाला सिम्टम्स भी मैंने काफी हद तक सही देखा था कि जिनको भी बेबी बॉय हुए थे उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी और मुझे भी बिल्कुल नींद नहीं आती थी बेबी बॉय के टाइम पे। और जो आठवां सिम्टम्स था वो ये था कि बेबी बॉय के टाइम पे बिल्कुल भी आलस नहीं आता है, तो ये वाला भी सिम्टम्स बिल्कुल सही मैच किया था। तो बेबी बॉय के टाइम पे मुझे बिल्कुल भी आलस वगैरह नहीं आता था और मैं पूरी प्रेगनेंसी बिल्कुल एक्टिव रही थी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। और जो नौवां सिम्टम्स होता है कि बेबी बॉय के टाइम पे सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो ये वाला सिम्टम्स भी बिल्कुल सही मैच किया था। उस समय मेरा सर में दर्द बहुत ही ज्यादा होता था, स्टार्टिंग के मंथ में नहीं होता था लेकिन बाद में काफी ज्यादा सर में दर्द रहता था और फिर डिलीवरी होने के बाद अपने आप ही सही हो गया था। एंड दसवां जो सिम्टम्स होता है वो होता है बेबी बॉय की हलचल को लेकर के, कि बेबी बॉय के टाइम पे हलचल बहुत ज्यादा कम महसूस होती है। तो इसमें मेरा एक्सपीरियंस जो था वो ट्वींस का था, तो मैं आपको बता दूं ट्वींस में तो वैसे भी बहुत ज्यादा कम ही हलचल महसूस होती है, तो इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मुझे हलचल काफी कम महसूस होती थी एंड लेफ्ट साइड में ज्यादातर होती थी और थोड़ी सी नीचे ज्यादातर रहती थी। अगर बाकी लोगों की बात करें तो उनको भी हलचल कम ही महसूस होती थी, उन सबके सिंगल हुए थे। और जो ग्यारहवां सिम्टम्स है वो ये है कि बेबी बॉय के टाइम पे यूरिन का कलर चेंज होता है, तो मैं आपको बता दूं यूरिन का कलर से बेबी बॉय का कोई संबंध नहीं होता है। यूरिन का कलर इसलिए चेंज होता है कि अगर आप पानी कम पीती हैं तो आपकी यूरिन का जो कलर होगा वो येलो आएगा एंड अगर आप पानी सही पीती हैं तो आपकी जो यूरिन का कलर होगा वो सफेद आएगा, ठीक है। तो इसमें मेरा यही पर्सनल एक्सपीरियंस था, जब मैं पानी कम पीती थी तो कलर येलो रहता था एंड जब मैं पानी सही पीती थी तो कलर जो था वो व्हाइट कलर ही रहता था। और बारहवें सिम्टम्स की हम बात करें तो वो होता है सूजन को लेके। ऐसा बोला जाता है कि बेबी बॉय के टाइम पे काफी हद तक सूजन आती है, तो मैं बता दूं मेरी दोनों प्रेगनेंसी थी ना ही मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे कोई सूजन आई थी और ना ही बेबी बॉय के टाइम पे आई थी, और मैंने ये वाला सिम्टम्स किसी भी लेडीज में नहीं देखा था, उन सभी को भी बिल्कुल भी कोई सूजन वगैरह नहीं आई थी। अब बात करते हैं कि बेबी बॉय के टाइम पे एक्स्ट्रा फैट वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता है, ये वाला सिम्टम्स भी बिल्कुल मैच किया था। बेबी बॉय के टाइम पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैट नहीं था और जिन लोगों को भी बेबी बॉय हुए थे उनके भी मैंने काफी हद तक देखा था किसी को भी एक्स्ट्रा फैट नहीं आया था। और अब हम बात करते हैं बेबी बॉय के टाइम पे FHR को लेके। तो मैं बता दूं FHR से बेबी बॉय या गर्ल का कोई भी लेना देना नहीं होता है, क्योंकि FHR जो होती है वो चाहे बेबी गर्ल हो या बॉय हो उनकी जो है वीक्स वाइज बदलती रहती है और यही हम सभी के साथ हुआ था, तो इससे कोई भी मतलब नहीं रहता है। कभी 147 हो जाती है तो कभी 153 हो जाती है तो कभी 160 हो जाती है तो कभी 170 हो जाती है। आप लोग मुझसे पूछते हैं आपकी FHR क्या रही, तो मैं बता दूं मेरे पहले अल्ट्रासाउंड में 147 के आसपास थी, उसके बाद में 153 एंड 155 इसी तरीके से रही है और लास्ट का जो अल्ट्रासाउंड था उसमें भी 155 एंड 157 ही आई थी। और ये वाला सिम्टम्स भी मैंने किसी में भी मैच करते हुए नहीं देखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि FHR चेंज होती रहती है। और आपका एक क्वेश्चन और रहता है कि आपका प्लासेंटा की पोजीशन क्या थी, तो मेरा जो बेबी बॉय के टाइम पे एंटीरियर प्लासेंटा था, और प्लासेंटा का भी कोई मतलब नहीं होता है बेबी गर्ल या बॉय से,
क्योंकि प्लासेंटा की जो पोजीशन होती है वो बेबी के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे जैसे बेबी मूवमेंट करता है, आगे पीछे ऊपर नीचे होता है, तो प्लासेंटा भी आगे पीछे एंड ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जो मैंने अपने साथ साथ कई लेडीजों में देखे हैं और उनको भी बेबी बॉय हुआ है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बार जरूर कहना चाहूंगी कि अब ये जरूरी नहीं है, जो भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए मुझ पे मैच किए एंड मेरे साथ साथ कई लोग ऐसे थे जिन पर मैच किए हैं, तो आप पर भी मैच करें। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मुझे मीठा पसंद था तो मेरे बेबी बॉय हुआ, अगर आपको नमकीन पसंद है तो आपकी गर्ल होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। हो सकता है कि आपको बॉय के टाइम पे नमकीन अच्छा लगे। मैंने ऐसा भी कई लोगों में देखा है कि उनको नमकीन पसंद आता था, उनको बेबी बॉय हुआ था। तो ये बिल्कुल भी कोई जरूरी नहीं है कि जो सिम्टम्स बताए गए हैं, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबके हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, तो हम कुछ भी कह नहीं सकते। मतलब बस एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, पर तो आपको इन सिम्टम्स को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना है। मुझे पता है आज का वो टाइम नहीं है कि लोग लड़का या लड़की में भेदभाव करते हैं, पहले ऐसा बहुत होता था लेकिन अब 80% तक ऐसा नहीं होता है। अब 20% लोग ऐसे हैं जो बेटा या बेटी में भेदभाव करते हैं, लेकिन मेन बात ये होती है कि आजकल हर कोई दो बच्चे चाहता है और हर किसी की इच्छा होती है कि उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। जैसे अगर पहले से बेटी है तो बेटा हो जाए एंड बेटा है तो बेटी हो जाए, क्योंकि मेरी भी इच्छा थी, मेरी पहली बेटी थी तो मेरा एक बेटा हो जाए जिससे मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो इसमें कोई भी बुराई नहीं होती है। तो होता क्या है कि उस समय हमारे मन में बहुत सारी उत्सुकता होती है कि क्या होने वाला है एंड क्या सिम्टम्स है, तो इसलिए यूट्यूब पे हम लोग बहुत ज्यादा सर्च करते हैं और साथ ही में ये भी देखते हैं कि जो सिम्टम्स उनके साथ हुए क्या वो हम पे मैच कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन बस मन में कहीं ना कहीं इच्छा रहती है, बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहती है जानने की कि आखिर कैसा होने से कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं, पहले हमारी दादी नानी सिम्टम्स बताया करती थी, तो वो जैसा मैंने अभी आपको बोला कि कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो ज्यादातर मैच कर जाते हैं, तो जिस वजह से वो सिम्टम्स बहुत ज्यादा फेमस हो गए। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि बेटा हो या बेटी, सभी गॉड गिफ्ट होते हैं, तो प्लीज उनको बिल्कुल सम्मान के साथ एक्सेप्ट करें एंड दोनों से ही प्यार करें, क्योंकि आज के दौर पे बेटा या बेटी में कोई फर्क नहीं होता एंड ना बेटा पीछे रहता है ना ही बेटी, दोनों ही बराबर रहते हैं और बेटी भी वो बिल्कुल काम कर सकती है जो एक बेटा कर सकता है। बस फर्क इतना होता है कि आपको उसको वही सपोर्ट देना होता है जो आप बेटे को देते हैं, फिर बेटी भी आपको वही करके दिखाएगी जो आप चाहते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।